दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी एक केमिस्ट शॉप की अकाउंटिंग को हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, केमिस्ट शॉप अगर हम उसके सिंपल भाषा में कहें तो हम उसको नाम एक मेडिकल स्टोर का भी दे सकते हैं, यानी कि एक मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग को हम प्रॉपर तरीके से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन करते हैं। और जब हम हमारे कस्टमर को अगर कंप्यूटराइड इनवॉइस अगर देना पड़े, यानी कि टेली प्राइम से ही अगर कोई इनवॉइस जनरेट करके देना पड़े, तो उस इनवॉइस में उस मेडिसिन का प्रॉपर नाम, उस मेडिसिन की कंपनी का नाम, उसकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका एचएसएन कोड, उसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, यूनिट्स, क्वांटिटी, रेट, एमआरपी, डिस्काउंट का परसेंटेज, तो ये जो आप प्रॉपर अभी आपने ये जो इनवॉइस देख रहे हो ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से ही तैयार हुआ है। तो इस प्रकार की सेटिंग हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से कर सकते हैं ताकि ये जो प्रॉपर सेटिंग है हमारी, जो प्रिंट आउट हम देंगे कस्टमर को, तो उस पर डिटेल आ जाए। तो उसके अंदर जो हमारी डिटेल रहती है उसमें हम हमारा जो ड्रग लाइसेंस नंबर होता है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं, वो जो कब से लेके कितनी तारीख तक वो वैलिड रहेगा, इसकी प्रॉपर हम सेटिंग हमें किस तरीके से करनी है, या जब हम सेल इनवॉइस जनरेट करते हैं कस्टमर के लिए तो जो हमारे पास मेडिसिन की जो स्लिप हमारे पास आई है वो कौन से डॉक्टर की आई है, तो उस डॉक्टर का नाम भी हम सेल इनवॉइस में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉपर सेटिंग किस तरीके से होती है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो ये सारी बातें आज आपको मैं न्यू कंपनी क्रिएट करते वक्त आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। या फिर जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो स्टॉक आइटम में हमें जो इसका पैकिंग का जो साइज है वो किस तरीके से होगा, उसकी जो बैच नंबर है, उसका एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो किस तरीके से मेंटेन होती है, उसकी एमआरपी डिटेल हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, तो सारी बातें आज आपको मैं प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्किप कर दिया तो हो सकता है आपको ये प्रॉपर जो इनवॉइसिंग की जो सेटिंग है वो उसमें आपको दिक्कत आए। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ही वीडियो। तो दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये सारी सेटिंग किस तरीके से होती है, तो आपको मैं इस कंपनी में नहीं बल्कि न्यू कंपनी क्रिएट हम करेंगे। तो न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए हम वापस इस कंपनी को हम यहाँ से क्लोज करेंगे, तो हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज और इसको करेंगे क्विट, और उसके बाद में हम करते हैं न्यू कंपनी क्रिएट। तो इसके लिए हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, तो और यहाँ पर हम एक डेमो के रूप से यहाँ पर लिख सकते हैं भी मेडिकल स्टोर इनवॉइस। तो आपका मेडिकल इनवॉइस कुछ भी हो सकता है, या फिर हम यहाँ पे किसी मेडिकल स्टोर का नाम भी दे सकते हैं भी एबीसी केमिस्ट शॉप। तो ये हमारा एबीसी केमिस्ट शॉप के नाम से हमने कंपनी क्रिएट कर दी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ड्रग लाइसेंस का नंबर। तो दोस्तों, ये ड्रग लाइसेंस का नंबर, ये वैलिड फ्रॉम, वैलिड टिल किस तरीके से आया, क्या आपको करना पड़ेगा, तो ये आपको सारी इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखना। तो इसमें ड्रग लाइसेंस के नंबर हम डेमो के लिए कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो जहाँ पे भी अगर आप उस मेडिसिन पे वर्किंग करोगे तो वहाँ पे उसको आपका लाइसेंस नंबर जरूर मिलेगा, तो वो प्रॉपर आपको ड्रग लाइसेंस नंबर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और इसके बाद में वैलिड फॉर्म, यानी कि ये कब से वैलिड है और कितनी तारीख तक वैलिड रहेगा, तो डेमो के लिए हम यहाँ पर डाल सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से लेके ये 31/3/2022 तक। तो ये डेमो के लिए मैंने डाला है, तो कुछ भी डिटेल हो सकती है इसकी, क्योंकि ये जो हम डिटेल यहाँ पर जो डाल रहे हैं ना, ये डिटेल इसलिए डाल रहे हैं जब हम हमारे कस्टमर को इनवॉइस देंगे सेल का प्रिंट आउट जब देंगे, तो ये जो सारी डिटेल है ये हमारे ड्रग का लाइसेंस का नंबर और ये वैलिड फॉर्म, ये सारा डिटेल हमारे सेल इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आएगा। तो सारी बातें हमें लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद में हमारी शॉप का जो एड्रेस रहेगा वो हम लिख देंगे, शॉप नंबर 1 नियर मेन बस स्टैंड, प्रॉपर हम इसका रायसी नगर लिख देते हैं। और उसके बाद में स्टेट हमारा रहेगा राजस्थान का, और हमारे एरिया का जो पिन कोड है वो हम डाल देते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर की डिटेल्स वगैरह सब कुछ, ईमेल आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर डाटा मेंशन करोगे उतना रिपोर्ट आपके इस इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आएगा, तो वो आप अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और उसके बाद में ये ज़्यादा डिटेल हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपनी क्रिएट किस तरीके से होती है इस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको अच्छी तरीके से देख सकते हो। और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट।
तो इस तरीके से ये हमारी कंपनी क्रिएट होगी। तो अब हमें शुरुआत में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपको सबसे पहले तो जो डिटेल है आपकी वो इसको इनेबल करना पड़ेगा, जो आपकी डिटेल आएगी इनेबल बैच और एक्सपायरी डेट फॉर बैच, इन सभी को आपको यस करना पड़ेगा शुरुआत से ही, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। इसको हम यस करेंगे तो मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैच, इसको भी हम यस करेंगे, और उसके बाद में जीएसटी तो हमारा प्रॉपर रहेगा रहेगा, तो वो सारी डिटेल हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। और इस तरीके से जो जो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके साथ साथ हम क्रिएट करते रहेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखोगे क्रिएट में आप जाओगे, तो अब क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स नहीं आ रही है, शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमें इस TDL को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो TDL को एक्टिवेट करने के लिए हम F1 पर जाएंगे, TDL ऑन ऐड करेंगे, और यहाँ पर F6 को मेंटेन करते हुए इसको यस कर देंगे। तो जैसे हमने इसको इनवॉइस फॉर केमिस्ट इसके नाम से ये TDL है, और जैसे हमने इसको एक्टिवेट कर दिया तो आप देखोगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर ड्रग कंपनी का नेम, और यहाँ पर एक ऑप्शन और जुड़ जाएगा डॉक्टर्स का। तो हमें कौन से डॉक्टर्स के हमारे पास है जो स्लिप आती है, उन डॉक्टर्स के नाम हम साथ के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, या हम पहले मेंटेन करके भी रख सकते हैं। और ड्रग लाइसेंस का नाम, आप कौन कौन सी कंपनी की है जो इन्वेंट्री रखते हो, यानी कि उसकी जो मेडिसिन है आपके पास कौन सी कंपनी की रहती है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक स्लिप ली हुई है, एक स्ट्रिप हमने ली हुई है, और उस प्रोडक्ट का नाम है फ्लेम। हम इसको थोड़ा सा पहले, ये देखो ये है हमारे पास एक मेडिसिन, और इस मेडिसिन का नाम है फ्लेम। तो ये फ्लेम है, ये तो आ गया एक प्रोडक्ट का नाम, और उसके बाद में इसकी जो कंपनी है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, मैन्युफैक्चर्ड बाय विशाल फार्मास्यूट डिस्ट्रीब्यूटेशन, इसका नाम कुछ ऐसे तरीके से आ रहा है, ये लेबोरेटरी जाइए। तो हम इसका ये जो कंपनी है, तो आपको हर उस पर मैन्युफैक्चर है या फिर जो मार्केटेड बाई है उस कंपनी का नाम आप मेंटेन कर सकते हो। तो आप ये चाहो तो साथ पहले भी मेंटेन करके रख सकते हो, या फिर जब स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे तो उसके साथ साथ हम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले ही क्रिएट कर लेंगे ड्रग कंपनी का नेम, तो यहां पर नेम आपको देना पड़ेगा विशाल फार्मा, हमने नाम दे दिया, एक्सेप्ट करेंगे। तो आपके पास और भी हो सकता है, जैसे मैंने यहां पर दे दिया माइक्रोलेब, आप और कंपनी का नाम जैसे सिप्ला, तो आपके पास जो जो कंपनी के ब्रांड का है आपके पास, तो वो कंपनी हम क्रिएट कर सकते हैं पहले। तो उसके बाद में जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स हम क्रिएट करेंगे, कौन कौन से रहेंगे, जैसे कि हमारे पास रहेंगे डॉक्टर सुमित सुथार कर देंगे, और डॉक्टर हम कर सकते हैं डॉक्टर भावना सुथार। तो आपके पास कुछ भी आप डॉक्टर यहाँ पे जो जो डॉक्टर्स आपके पास रहते हैं वो क्रिएट कर सकते हो। तो उसके बाद में हमें स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं, तो स्टॉक आइटम पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमें नाम देना पड़ेगा जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका नाम है फ्लेम। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमें इजी तरीके से समझ में आ जाए। अब अंडर में रहेगा, तो अंडर में हम यहाँ पर भी एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा कंपनी का नाम था इसका विशाल फार्मा, और उसके बाद में कंपनी का नेम यहाँ पर आपसे पूछेगा कंपनी का नेम। तो कंपनी नेम अभी जो हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट करी थी पहले, तो उसमें से हमें कौन सी कंपनी से ये रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसका नाम यहाँ पर हम दे देंगे। और उसके बाद में यूनिट, इस यूनिट को यानी कि हम इस यूनिट को किस में सेल करते हैं, तो ये ज़्यादातर जो टेबलेट्स होती है वो स्ट्रिप में सेल होती है, तो हम LC के साथ इसको स्ट्रिप के साथ हम इसका यूनिट क्रिएट कर देंगे, और इसके अंदर यहाँ पे हम दे देंगे टेबलेट्स। और अगर आपके पास टेबलेट्स के साथ क्वांटिटी में रहती हो तो आप इसका नंबर ऑफ डेसिमल 2 भी दे सकते हो, और अल्टरनेट यूनिट अगर आप देना चाहो तो भी एक स्ट्रिप के अंदर कितनी टेबलेट्स होती है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर स्ट्रिप अल्टरनेट यूनिट आपको तब देने की ज़रूरत है अगर आप बॉक्स के साथ सेल करते हो, या स्ट्रिप के साथ अगर आप लूज टेबलेट मतलब सेल करते हो, जैसे कि हमारे पास ये टेबलेट है, अब इस एक टेबलेट के अंदर मतलब एक स्ट्रिप के अंदर जैसे कि ये 10 टेबलेट है, आप 10 टेबलेट के साथ 2 टेबलेट फ्री है या एक टेबलेट फ्री है, तो इस तरीके के अगर आप क्वांटिटी मेंटेन करते हो तो आपको अल्टरनेट यूनिट बनाने की ज़रूरत है। तो चलो हम क्रिएट कर लेते हैं, तो अब उसके बाद जैसे कि हमारे पास आ जाएगा टेबलेट, इसको भी हम अंडर में टेबलेट ही रखेंगे। तो अब यहाँ पर रखेगा भी, उसके बाद रहेगा भी 10 टेबलेट बराबर एक स्ट्रिप रहता है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे पैकिंग का साइज पूछेगा, तो पैकिंग हमारा एक स्ट्रिप के अंदर
10 टेबलेट रहती है। उसके बाद मेंटेन बैच नंबर, इसको हम यस करेंगे, और ट्रैकिंग डेट मैन्युफैक्चरिंग को भी यस करेंगे, एक्सपायरी डेट को भी यस करेंगे। उसके बाद में इसका जीएसटी का डिटेल हम इसको यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे मेडिसिन, एचएसएन कोड हम यहाँ पर इसका मेंटेन कर देते हैं, और टैक्सेबल में हम इसको टैक्सेबल रेट, जीएसटी हम इसको 12% दे देते हैं, और उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई में हम इसको रखेंगे गुड्स। तो उसके बाद में रिपोर्टिंग यूपी से आपको टैबलेट्स लेनी है, और उसके बाद में डिटेल आपके पास पूछेगा यहाँ पर सेट एमआरपी डिटेल्स, तो हम इसको यस करेंगे। तो यस करने के लिए अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, तो हम इसको वाउचर में भी हम इसकी जो एमआरपी है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एमआरपी हर बार आपको पता भी चेंज हो सकती है, तो हम कोई फिक्स इसकी फ्लेम प्रोडक्ट की एक नहीं रहती, तो हम इसको यस कर देंगे। और एमआरपी हमें यहाँ पर कुछ रेट अभी नहीं देंगे, और उसके बाद में इंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था, हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हमें एक कस्टमर का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हमें सेल करना होगा। लेजर पर हम जाएंगे, जैसे हम कह देंगे राम मेडिकल स्टोर, तो ये हमारे लिए कस्टमर है, तो हम इसको रखेंगे सैंडी डेप्टर्स में। और उसके बाद में आपकी जो डिटेल्स है सारी, वो हमको इसको यस रखना पड़ेगा। एड्रेस हम यहाँ पर डाल सकते हैं, राजस्थान, स्टेट, कंट्री, पिन कोड वगैरह मेंटेन हम यहाँ पर कर सकते हैं इसका सारा। और उसके बाद में लाइसेंस नंबर, अगर ये भी एक मेडिकल स्टोर है, इसके पास भी अगर लाइसेंस नंबर है, तो इनका जो लाइसेंस नंबर है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक बार प्रॉपर डेमो के लिए यहाँ पर कुछ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में रेगुलर इनके पास जो जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पर मेंटेन कर देंगे, और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये था हमारा कस्टमर का लेज़र। और अब हमें यहाँ पर एक सेल का लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, भी मेडिसिन सेल जीएसटी 12%, तो अंडर में रहेगा सेल काउंट एप्लीकेबल यस, और इसको रखेंगे हम गुड्स। तो इसी तरीके से सीजीएसटी टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, और जीएसटी में रहेगा सीजीएसटी, और इसी तरीके से एसजीएसटी टैक्स जीएसटी एक्ट का टैक्स है। तो ये हमने सेल के लेजर और टैक्स के लेजर क्रिएट कर लिए। अब हम जाते हैं वाउचर पर सेल की एंट्री करने के लिए, हम F8 यूज़ करेंगे। तो आप डेट यहाँ पर डाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर्स का नाम यहाँ पर पूछेगा, अभी कौन से डॉक्टर्स के रेफरेंस किया हुआ है। तो अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, और या फिर आपके पास अगर कोई डॉक्टर्स की लिस्ट है तो आप इसमें से डॉक्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर आपके पास बगैर डॉक्टर की स्लिप के साथ भी आ सकता है, तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करोगे। और प्रॉपर किसी डॉक्टर की स्लिप के साथ आए तो उस डॉक्टर का नाम हम यहाँ पर मेंटेन कर देंगे। और उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि कस्टमर का नेम, तो हम राम मेडिकल स्टोर को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, तो जो स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करी थी फ्लेम, वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे से पूछेगा एमआरपी, तो अब हमारे पास जो एमआरपी इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है, तो वो दिखाई दे रही है 11 रुपये और 30 पैसे पर 10 टेबलेट्स के, तो यानी कि 11 रुपये 30 पैसे इस जो स्ट्रिप है हमारे पास, इसका एमआरपी रेट है। तो 11 रुपये 30 पैसे हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद में सबसे पहले पूछे आपको पूछे एक्टिव बैच, तो न्यू नंबर हम डालेंगे। तो बैच का नंबर का मतलब, जो ये हमारे पास बैच का नंबर हो गया, जैसे बैच नंबर 15/016 का, तो ये बैच नंबर होता है, ये हर प्रोडक्ट के पास आपको अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा, तो हम इसी को एक बार यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद में क्वांटिटी हमने कितनी सेल करी है, मान लीजिए हमने इनको 5 स्ट्रिप सेल करी है, और रेट हमने क्या लिखा है, मान लीजिए हमने रेट इनको 8 रुपये का रेट लगा दिया, तो एस की जो एमआरपी है 11 रुपये 30 पैसे पर स्ट्रिप की है। तो यानी कि अब ये जो रेट है ना, ये आपका जो रेट, ये प्रॉपर आपके इस रेट पे ही डिपेंड करेगा, एमआरपी से इसको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमारे पास 8 है 5 है, तो 8 × 5 = 40 रुपये यहाँ पर बन गए। तो उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग की डेट, तो मैन्युफैक्चरिंग की डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि DT 0416 है, तो हम इसको 2021 कर देंगे। तो 0421, यानी कि 4/04/2021 की डेट हम यहाँ पर दे देंगे इनको मैन्युफैक्चरिंग की डेट में, अप्रैल 21 पूरा ही लेगा। और एक्सपायरी की जो डेट है वो हम दे देंगे 3 या मार्च 22 हम कर देंगे, तो 31 मार्च 22 ले लेगा। और अगर आपके पास सेकेंड को स्टॉक आइटम है तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप एंड ऑफ लिस्ट इसको कर दोगे, तो ये डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी।
तो अगर आप उसके बाद में हम इसको एंटर मारेंगे तो यहाँ पर हमारा मेडिसिन का लेज़र आ जाएगा। तो अब इसके अंदर अगर हमें यहाँ पर डिस्काउंट अगर हमें ऐड करना पड़े तो हम इसको डिस्काउंट का भी लेज़र हम यहाँ पर ऐड इसके अंदर कर सकते हैं। तो डिस्काउंट का अगर हमें यहाँ पर कॉलम चाहिए जिस तरीके की हमें यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा था ये वाला डिस्काउंट भी, अगर हमें इसके ऊपर कोई डिस्काउंट भी देना हो 1% का 2% का, तो ये कॉलम हमारे पास किस तरीके से आएगा? तो ये हमें सेल इनवॉइस के ऊपर यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा, हम F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो ये आपके पास अगर नो है तो आप इस ऑप्शन को यस करोगे और बाकी सभी विंडो को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो ये हमारे पास अब इसमें डिस्काउंट का जो कॉलम है वो ऐड हो गया है। तो अगर आप इसके अंदर कोई डिस्काउंट अगर आप यहाँ पर नम देना चाहेंगे तो डिस्काउंट आपको कितने परसेंट देना है, जैसे मान लीजिए कि 1% आपको डिस्काउंट देना है, तो ये 1% डिस्काउंट होने के बाद में आपका रेट आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स, सीजीएसटी टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और एसजीएसटी टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो टोटल हमारे पास अमाउंट बनेगी वो 44 रुपये और 36 पैसे बनेगी। तो अब उसके बाद अगर हमें इस इनवॉइस इस टाइप की अगर सेटिंग करनी पड़े तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा ये इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन का, इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे या फिर आप इस विंडो को एक बार सेव कर ले इस इनवॉइस को हम, और वापस इस इनवॉइस को ओपन करेंगे और इनवॉइस की सेटिंग के लिए हम जाएंगे तो आपको ये पूछेगा कुछ ऑप्शन इनवॉइस कॉलम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो सीरियल नंबर है उसके ऊपर आप क्या नाम लिखना चाहते हो, वो आप प्रिंट के साथ दिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते, भी प्रिंट आउट में ये सीरियल नंबर आए कि या ना आए, तो वो ये सारी डिटेल आपको पूछेगा। तो इसके अंदर अगर आप चाहो भी इस तरीके की सेटिंग, आप कंपनी का नाम, एचएसएन कोड, बैच नंबर आप अपने तरीके से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली अगर इस इनवॉइस का एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, एल्ट पी पर हम जाएंगे, करंट पर जाएंगे, प्रीव्यू पर देखेंगे, तो आपको जो इसकी प्रिंट प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, एबीसी केमिस्ट शॉप, हमारा जो डीएल का नंबर, यहाँ पर जो वैलिड प्रोमो इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग नहीं करी है। तो जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग यहाँ से करेंगे, भी सीरियल नंबर है तो वहाँ पर आपके पास क्या नंबर आना चाहिए लिखा हुआ, भी सीरियल नंबर प्रिंट देना है, बिल्कुल यस करेंगे। आइटम के नेम के अंदर हम आपको लिखना है भी शॉर्ट नाम लिखना आपको मेडिसिन नेम, प्रिंट में भी दिखाना चाहिए। कंपनी का नाम भी कंपनी नेम आप दे सकते हो, तो आपको जहाँ पर जो नाम लिखा है वो आपको प्रॉपर उतना ही देना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरीके से सेटिंग में आ जाए। बैच नंबर के अंदर आप यहाँ पे बैच नंबर लिख सकते हो, प्रिंट देना है यस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेट के अंदर आप शॉर्टकट MFG डेट लिख सकते हो, इसको भी हम यस करेंगे। एक्सपायरी डेट को आप EXP डेट हम लिख सकते हैं, इसको भी हम यस करेंगे। पैकिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसको भी प्रिंट में दिखाना है यस करेंगे। यूनिट अगर आपको दिखानी है तो यूनिट हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप क्वांटिटी दिखा सकते हो प्रिंट लेना है। फ्री क्वांटिटी अगर आपने कोई दिया तो उसकी डिटेल दिखानी है। उसके बाद में रेट अगर आपने क्या लिखा है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, प्राइस यस करेंगे। MRP अगर आपको दिखानी है तो MRP आप लिख सकते हो, इसको यस करेंगे। डिस्काउंट को आप लिख सकते हो, डिस्काउंट प्रिंट में दिखाना है यस। अमाउंट को आप दिखाना है तो अमाउंट शॉर्टकट आप लिख सकते हो यस। तो इस तरीके से ये सारी सेटिंग हमने कर ली है। तो अब इसको अगर इसका हम प्रिंट प्रीव्यू वापस अगर हम देखेंगे, LP पर हम जाएंगे, प्रीव्यू पर हम जाएंगे, तो आप देखो आपकी ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर मेडिसिन का नाम, उसका कंपनी का नाम, HSN कोड, बैच वाइज डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, पैकिंग उसकी क्या है, क्वांटिटी कितनी दी है, प्राइस क्या था, MRP रेट और GST परसेंटेज, डिस्काउंट और इस तरीके से टोटल अमाउंट। और ये टोटल अमाउंट भी आपके साथ यहाँ पर दिखाई देगा। अभी प्रीवियस बैलेंस भी, इसका प्रीवियस बैलेंस कुछ भी नहीं था तो जीरो था, तो यानी कि इसी का करंट बैलेंस अभी इस इनवॉइस की जो अमाउंट है वो ही इसका करंट बैलेंस है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको टेली सॉफ्टवेयर में केमिस्ट शॉप की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं भी ये जो हमने TDL जो हमें इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल हमें किस तरीके से करना है। तो दोस्तों आपको प्रॉपर जब भी आप अगर आप टेली प्राइम यूज़ करते हो तो आपको F1 यानी कि हेल्प के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेली शॉप का। तो जैसे हम टेली शॉप पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो खुलेगी, हमें टेली सॉल्यूशन की जहाँ पे एड ऑन तैयार होते हैं वहाँ पर उस साइट के ऊपर ले जाएगा। तो जैसे हम उसके ऊपर लेके जाएगा तो वहाँ पर हमें ये टाइप करना पड़ेगा
जो एड हमने टेरियल हमने जो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये नाम आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा इनवॉइस फॉर केमिस्ट का। तो ये आपके पास एक TCP की फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसको बाद आप F4 मैनेज से यहाँ पर इसको कर सकते हो। जैसे कि आप जैसे डाउनलोड हो जाएगी आपके पास फाइल, तो आप F1 पे जाओगे, TDL पे जाओगे और उसके बाद में जैसे हम F4 आपको प्रेस करना होगा, यहाँ पर F4 हम प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा यस करना है। तो जैसे हम यस करेंगे तो आपको प्रॉपर वो लोकेशन देनी पड़ेगी जहाँ पर आपने इसको सेव करके रखा हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव करके रखा हुआ है इसको केमिस्ट फॉर शॉप। इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद में लोकल TDL को हम इसको यस करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये दिखा देगा क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो ये अभी मेरे को यहाँ पर दिखाएगा वन नॉट इंस्टॉल्ड, ये अनऑथराइज्ड है। तो आपके पास ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा वन लोडेड ये TDL का। अब मेरे पास वन नॉट लोडेड आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो जैसे आप इसको कर लोगे उसके बाद में आपको F6 करना होगा एड ऑन फीचर्स को, और उसके बाद में इस ऑप्शन को भी आपको यस करना पड़ेगा एक्टिव इनवॉइस फॉर केमिस्ट। इसको यस करेंगे तो ही वो आपके फीचर्स है सारे ऐड होंगे। और उसके बाद में ये सारी इसकी डिटेल्स है, आप देख रहे हो यहाँ पर इस इनवॉइस के अंदर डॉक्टर्स का नाम वगैरह सारा डिटेल हमारे पास आ रहा है। तो हम इसकी प्रिंटिंग की अगर आप सेटिंग करना चाहो तो इसके प्रिंट प्रीव की आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी कर सकते हो, जो कि प्रॉपर हमारे पास अभी हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। तो जो साइज है हमारा प्रिंट प्रीव का, वो हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। शो मोर पर जाएंगे और उसके बाद में जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है हमारे पास, भी हाइट नॉर्मल क्या रखनी है, आपको पेज की विड्थ कितनी रखनी है, तो वो प्रॉपर हम यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से रख सकते हैं ताकि हमारा जो इनवॉइस है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आप लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन से आप कितना छोड़ना चाहते हो तो उसकी डिटेल हम लिख सकते हैं। तो अब जैसे हम इसको जूम करते हैं इसको, तो जैसे हम इसको जूम करेंगे तो आपको जो प्रॉपर डॉक्टर का नाम और यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का नाम, कंपनी नेम, ये देखो जो सारी डिटेल है वो आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से दिखाई देगी। इनवॉइस का नंबर और जो आपकी केमिस्ट का जो शॉप का नाम था वो सारी डिटेल, पार्टी का नेम, पार्टी का GST नंबर वगैरह, बायर्स का जो ड्रग लाइसेंस नंबर उसका, और जो सप्लायर्स है उसका यानी कि हमारी कंपनी का। तो ये प्रॉपर आपको अच्छी तरीके से एज ए केमिस्ट की अकाउंटिंग हम टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।